एक फीमेल को सेक्सुअली सेटिस्फाई होने के लिए कितना वक्त चाहिए होता है? एक आदमी एक फीमेल को सेक्सुअली कितनी देर में सेटिस्फाई कर सकता है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट, लास्ट 42 इयर्स से मैं सेक्स के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं। अगर आप हमारे मेडिकेशंस और हमारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हो, आप हमारी वेबसाइट drkapoorclinic.com पे जाइए, आपको वहां से सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, बने रहे, जुड़े रहे, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ ही साथ अपने बेल आइकन को दबा के अपने ऑल के ऑप्शन को जरूर क्लिक करना है ताकि आने वाली वीडियो जो मैं आपकी सेक्स लाइफ को बेहतर बनाने के लिए बनाता रहता हूँ, आपको मेडिकेशंस के बारे में बताता रहता हूँ, आपको ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करता रहता हूँ, वो आप तक पहुंचती रहे, उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आती रहे। इसलिए आपने सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लास्ट में मैं आपको एक फोर प्ले करने का बहुत ही कारगर तरीका बताऊंगा आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, इसलिए आपने लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। दोस्तों, मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको सही साइंटिफिक एंड पूरी पॉइंट इंफॉर्मेशन दी जाए और ब्रीफ में इंफॉर्मेशन दी जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है। चलिए दोस्तों, टॉपिक की बात करते हैं कि एक महिला को सेक्सुअली सेटिस्फाई होने के लिए कितना वक्त चाहिए होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि हर महिला का इंटरकोर्स के दौरान सेटिस्फेक्शन टाइम अलग अलग होता है। कोई महिला 5 से 10 मिनट में सेटिस्फाई हो जाती है, कोई महिला 10 से 15-20 मिनट लेती है, कोई महिला 20 से 30 मिनट तक लेती है और कोई कोई महिला तो 30 मिनट से भी ऊपर टाइम ले जाती है और उसको सेटिस्फेक्टरी पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए। स्टडीज में ये भी देखा गया है कि एक महिला को सेक्सुअली सेटिस्फाई होने के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। यहाँ पे मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, जब भी आपका सेक्स करने का मूड बने, आप अपने सेक्स पार्टनर को इसके बारे में जरूर बताएं। अगर आपके सेक्स पार्टनर का सेक्स में मूड नहीं है, उसका मन नहीं कर रहा, आप उसको सेक्स करने के लिए फोर्स ना करें। रिसर्च में ये भी देखा गया है कि मेल का मूड जल्दी बन जाता है, जैसे ही एक आदमी ने अपने माइंड में सोचा कि मैं सेक्स करना है तो उसका असर, उसके हार्मोन एकदम से जनरेट होने लगते हैं और उसका असर उसके पीनस में दिखने लगता है, वहां पे इरेक्शन आने लगती है। मगर फीमेल की बात करें तो उसका मूड धीरे धीरे बनता है, उसकी ऑर्गेजम तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगता है। इसलिए जब मेल और फीमेल दोनों सेक्स करने के लिए पूरी तरह तैयार हो, आप उसकी पसंद ना पसंद के बारे में भी सोचना है। आपको उससे बात करनी चाहिए कि आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, आप सेक्स के दौरान क्या चाहती हैं, आप सेक्स के दौरान कौन सी पोजीशन चाहती हैं, सारी बातें उसके कहने के अनुसार ही चलनी चाहिए। अगर आप उसकी खुशियों का ध्यान रखोगे तो आप उसको जल्दी से जल्दी सेटिस्फाई कर पाओगे। आपने सिर्फ इंसर्शन करने का और स्ट्रोक लगाने के बारे में ही नहीं सोचना, आपने उनकी खुशियों के बारे में भी सोचना है। इसलिए जब आप एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखोगे, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ख्याल रखोगे, एक दूसरे की रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखोगे, और खुशियां खुद ब खुद आपकी तरफ दौड़ी आएगी और वो फुली सेटिस्फाई हो जाएगी। और यहाँ पे ये भी आपने ध्यान रखना है, जब आप बेड के ऊपर सेक्स करने के लिए तैयार होते हो, आप घड़ियां देखना बंद कर दें, क्योंकि घड़ियां देखने से आपका ध्यान टाइम के ऊपर होगा। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, यार अभी तक ये सेटिस्फाई नहीं हुई, तो आपका ध्यान उसकी खुशियों की तरफ, उसकी सेटिस्फेक्शन की तरफ, उसको ऑर्गेजम तक लाने की तरफ कभी नहीं होगा। आपका ध्यान तो अपने टाइम पीस की तरफ होगा। आप उसको सेटिस्फाई भी करने के बारे में सोचोगे और घड़ियों का भी ध्यान रखोगे तो आप दोनों में से कोई भी कार्य प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। क्योंकि फीमेल को सेटिस्फाई करना कोई काम नहीं है, ये एक ऑप्शन है आपके लिए कि आप अपने सेक्स पार्टनर को किस तरह से, कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो। ये एक कला है,
इस और यहाँ पे ये भी देखना बहुत जरूरी है, आपको इंसर्शन करने से पहले उसके साथ कम से कम 20-25 मिनट फोर प्ले करना जरूरी है। आपके लिए ये जरूरी है कि इंसर्शन करने से पहले आपने पहले उसको सेक्सुअली एक्साइट करना है, उसको सेक्सुअली उत्तेजित करना है, उसके साथ फोर प्ले करना है, और जब वो फुली सेक्सुअली उत्तेजित हो जाती है उसके बाद ही आपने इंसर्शन करनी है। और अगर आप उस वक्त के ऊपर इंसर्शन करते हो तो फिर कुछ ही टाइम में 5-7 मिनट में ही वो सेटिस्फाई हो जाएगी और ऑर्गेजम तक पहुंच जाएगी, अपने चर्म सुख तक पहुंच जाएगी और डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना के रखी हुई है, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस वीडियो को भी देखो, आपको फोर प्ले करने का सही तरीका पता लग जाएगा। अगर आप मेरे बताए हुए फोर प्ले करने के तरीके के अनुसार प्रोसीड करते हो तो आप अपने सेक्स पार्टनर को आराम से 20-25 मिनट से पहले ही फुली सेटिस्फाई कर पाओगे और यही आपके लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। थैंक यू वेरी मच।